हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब के दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज की रेसिपी है ब्रेड पकोड़े की रेसिपी। मैंने यहाँ पर एकदम मार्केट जैसे ब्रेड पकोड़े बनाकर दिखाए हैं। मैंने यहाँ पर दो तरह के ब्रेड पकोड़े बनाकर दिखाए, ये आलू का ब्रेड पकौड़ा, यहाँ पर मैंने चीज ब्रेड पकौड़ा बनाकर दिखाया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने चार बड़े आलू लिए थे जिसको मैंने इस तरह से मिक्सकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम ब्रेड पकोड़े का बैटर बना लेते हैं। मैं यहाँ पर दो कप के करीब बेसन ले रही हूँ, इस तरह से मैं दो कप ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक छोटी चम्मच अजवाइन घिसकर इस तरह हाथ से डालूंगी। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ इस तरह से। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और आधी चम्मच मैं बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ इसमें। इस तरह से इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करना है। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ा पानी इसमें और डाल दूंगी और थोड़ा इसको मैं और अच्छे से फेंट देती हूँ। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से बैटर बनकर तैयार है। ना ही ज़्यादा ये पतला है ना मोटा, मीडियम बैटर मैंने यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, मैं इसमें चार चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल यहाँ गर्म हो चुका, मैं इसमें एक छोटी चम्मच ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा यहाँ गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू जिसे मैंने इस तरह से मैश करके रख लिया था। इसको यहाँ पर एक से दो मिनट फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। एक चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूंगी भुंजे हुए जीरे का पाउडर जो कि एक छोटी चम्मच है। यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच हल्दी ली है, दो कटी हुई हरी मिर्च है ये, एक चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। अब इन सबको हम अच्छे से चला देते हैं। यहाँ पर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पका लूँगी अच्छे से। गैस को फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम रखा हुआ है। अब यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। अब मैं यहाँ डालूँगी आधा कप के करीब फ्रेश हरा धनिया, इसको भी डाल के एक मिनट हम यहाँ पका लेते हैं। इस तरह से चला देंगे इसे। गैस को फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसे एक मिनट पका लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल लेंगे एक छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, इसको भी अच्छे से चला देंगे। इसको भी मैं यहाँ पर एक मिनट तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर एक मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम ब्रेड पकौड़े के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले ग्राइंडिंग जार लिया हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप के करीब फ्रेश हरा धनिया, साथ ही मैं आधा कप के करीब पुदीना डाल रही हूँ। यहाँ पर 1 इंच के अदरक के टुकड़े मैंने इस तरह काट लिया है। मैंने यहाँ पर 4 लहसुन की कलियाँ ली है, इसको भी इसमें डाल देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है, आधी छोटी चम्मच नमक लिया हुआ है, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है। इन सबको इसमें अच्छे से डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच फ्रेश दही लिया हुआ है, इसको भी इसमें डाल देंगे। बस मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पानी डाल ली, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ चटनी बनाकर तैयार कर ली। चटनी ना बहुत ज़्यादा ठीक है और ना ज़्यादा पतली है। यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड ली हुई है, ये ज़्यादा फ्रेश या ताज़ी ब्रेड नहीं है। यहाँ पर ये 2 दिन के ब्रेड लिए है मैंने, इससे ब्रेड पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मैंने ये हरी चटनी ली है और यहाँ पर मैंने खजूर इमली की चटनी ली है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग भी खजूर इमली की चटनी ले लें। मैंने यहाँ पर अमूल चीज़ लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं 2 तरह के ब्रेड पकौड़े बना के दिखा रही हूँ, एक आलू के एक चीज़ के। तो सबसे पहले एक ब्रेड में हम इस तरह से हरी चटनी लगा लेंगे और दूसरे ब्रेड में हम खजूर इमली की चटनी लगा लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये दोनों ब्रेड में मैंने चटनी लगा ली है। अब मैं सबसे पहले हरी चटनी वाले ब्रेड में मैं स्टफिंग इस तरह से भर देती हूँ, अच्छे से इसमें भर देना है। अब यहाँ पर मैं चीज़ डालूँगी इस तरह से, चीज़ की स्लाइस को मैं इसमें रख देती हूँ। हमें बस कुछ नहीं करना, बस इसमें इस तरह से इसको रख देना है, थोड़ा हल्के हाथों से इसे दबा देना है। अब ये मैं खजूर इमली वाले ब्रेड को इसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। इसे बनाना बेहद आसान है, इस तरह हल्का सा दबा देंगे और मैं इसे आपको काट कर भी दिखाती हूँ। इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही लाजवाब सा हमारा चीज़ ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही आसानी से बन गया। इसी तरह हम आलू का ब्रेड पकौड़ा बनाकर आपको दिखाएंगे। इसी तरह हम ब्रेड में एक हरी चटनी लगा लेते हैं एक ब्रेड में, इसी तरह दूसरे ब्रेड में भी हम। इसी तरह मैंने दोनों ब्रेड में चटनी लगाकर तैयार कर लिया। मैं इसमें आलू की स्टफिंग इस तरह से भर देती हूँ।
अब इसके ऊपर हम खजूर इमली की चटनी वाला ब्रेड इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं और इसको भी इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही लाजवाब हमारा यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया हुआ है, तेल को थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, अब ब्रेड को इस बैटर में हम इस तरह से डीप कर देते हैं। इसे अच्छे तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे, इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे जिससे कि जितना भी बेसन लगा हुआ है वो अच्छे से इसमें नीचे की तरफ आ जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए कितना लाजवाब बना हुआ है। इसी तरह मैं दूसरा ब्रेड भी इसमें डाल देती हूँ। ये है ना ब्रेड पकौड़ा, बहुत ही लाजवाब। इस तरह से हम इसमें तेल ऊपर की तरफ अच्छे से डाल देते हैं। इसमें हम तेल इस तरह से डालते जाएंगे जिससे ये ऊपर की तरफ भी पक जाए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। यहाँ पर ब्रेड पकौड़े एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इन्हें पलट देती हूँ। इसी तरह मैं दोनों तरफ भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इसे और इनके ऊपर इस तरह से तेल डालती जाऊँगी। अब ये ब्रेड पकौड़े हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं सारे ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। मैं इसे आपको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा चीज़ ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही मस्त बना। ये मेरा आलू का ब्रेड पकौड़ा बना हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।